ओके चिल्ड्रन, अपना जो चैप्टर था वो अधूरा रह गया था फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो ये आपका है। अपन ने देखा था अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर। अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे थे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगी? छोटी, स्मॉलेस्ट संख्या आएगी, फिर उससे ग्रेट, ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, 57। ओके, 57 के बाद में लिखा मैंने 49, 49 के बाद लिखा मैंने 76, देन लिखा मैंने 17, देन लिखा मैंने 98। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अपने को लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे स्मॉल संख्या, तो कौन सबसे स्मॉल कौन सी हो जाएगी पहले? 17। 70 से ग्रेटर कौन सी हो जाएगी? 49। 49 से ग्रेटर 57। 57 से ग्रेटर 76, और 76 से ग्रेटर 98। इसको बोलते हैं अपन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे इसका एग्जाम्पल में का एग्जाम्पल का अपन आंसर लिख लेते हैं। यहां पर जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, इसका आंसर लिख लेते हैं अपन। सबसे छोटी कौन सी होगी अपने पास? 17। 17 से बड़ी कौन सी अपने पास? 17 से बड़ी है अपने पास 49। 49, 49 से बड़ी थी अपने पास, देख लेते हैं अपन, 57। 57, 57 से बड़ी 76, और 76 से बड़ी 98। ये क्रम अपने पास, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्रम अपने पास उनको रखना है। ठीक है, चलिए अब अपने यहाँ पे और जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, जस्ट वेट। ठीक है, अपने पास यहां पर संख्या दे रखी है, देखिए इसको अपन रीड करिए, 4217, 4315, 4035 एंड 4479। देखिए ये 4200 है, ये 4300 है, ये 4000 है, और ये कितना है? 4400। तो पहले कौन सा आएगा अपने पास? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4035, 4035। ठीक है, इससे बड़ी कौन सी है? इससे बड़ी है 4200, तो आ जाएगा अपने पास 4217। देन इसके बाद 4300, 4315, 4315। मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, वापस सही कर लेते अपन इसको। 4315, 315, देन आएगा 4479। ओके, अब अगला देखिए अपने पास क्या क्या संख्या इसमें, 2893, 2983, 2398 और 2978। सबसे छोटी कौन सी है? देखिए ये 2800 है, ये 2900 है, ये 2300 है और 2900 है। तो सबसे छोटी कौन सी हो गई? 2398। इससे बड़ी कौन सी? इससे ग्रेटेस्ट कौन है? इससे ग्रेटर अपने पास कौन सी है बताइए? 2893। इससे ग्रेटर देखिए, अब यहाँ पे 2983 और यहाँ पे 2978 है, तो 70 और 83 में कौन छोटा होता है? 78 छोटा होता है, तो 2978। देन लिख लेते हैं यहाँ पर 2978, क्लिक करो 2978। फिर लिखिए 2983। ओके, समझ में आ गया। सबसे पहले अपनों को सबसे स्मॉल संख्या, फ्री ग्रेटर, फ्री ग्रेटर, फ्री ग्रेटर। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी अपने पास? 2398। फिर उससे बड़ी अपने पास 2893। फिर उससे बड़ी अपने पास, उससे बड़ी है 2498।
2978 और सबसे बड़ी है 2983। आगे बात समझ में कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है? चलिए अब अपन देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इसका जस्ट अपोजिट चलता है, डिसेंडिंग ऑर्डर इसके जस्ट अपोजिट चलता है। इसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आएगी, जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे पहले, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट और देन सबसे लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट। तो इसमें अपन संख्या रीड करते हैं, देखिए 1728, 7128, 8127 और 2718। तो सबसे बड़ा कौन है? देखिए ये 1000, 7000, 8000 और 2000, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बिगेस्ट 8127। लिखिए आप सभी साथ लिखते जाइए, वेरी गुड। आपकी जो टेक्स्ट कॉपी है, नोटबुक है, उस नोटबुक में आप नोट करते जाएंगे। फिर लिखिए, ठीक है, आप नोटबुक बना लीजिए, फेयर कॉपी बना लीजिए, उसमें आप नोट करते जाइए 7128, क्योंकि 7000 से छोटा है, फिर उससे छोटा कौन है? 2000 है, तो लिखिए 2718। और सबसे छोटा कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट? 1728। अच्छा अगला सोल्व करिए, देखिए संख्या पढ़िए संख्या रीड करिए, आप कर लेंगे, हो जाएगा आपसे। चलिए मैं आपको, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, एच डब्ल्यू आपका होमवर्क क्या है, ये बी वाला आपका एच डब्ल्यू है। अब अपने पास ये साइन है, एक साइन है अपने पास ग्रेटर देन का और एक साइन है स्मॉलर देन का, ठीक है। आपको पता है कौन सा साइन ग्रेटर देन का और कौन सा स्मॉलर देन का है? ग्रेटर देन का साइन कौन सा है, कौन सा है ग्रेटर देन का साइन? ठीक है, देखिए यहां पर एक ग्रेटर देन का है, एक स्मॉलर देन का, आपको पता है, और एक इक्वल का, सॉरी तीन साइन है, एक ग्रेटर देन, एक स्मॉलर देन और एक इक्वल। देखिए ये वाला जो साइन है अपने पास, ये क्या है? ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। फर्स्ट जो साइन है वो अपने पास स्मॉलर देन का है और सेकंड जो साइन है वो अपने पास ग्रेटर देन का है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जिस ओर मुंह खुला हुआ होता है, जैसे यहां पे देखिए अपन, यहां पे जो मुंह खुला हुआ है, जिस ओर खुला हुआ होता है उस ओर बड़ी संख्या आती है, जिस ओर मुंह खुला हुआ होगा उस ओर बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। आपको इसे याद रखना है, देखिए 1002 और 1020 कौन सा बड़ा है? 1020 बड़ा है, तो अपन मुंह किधर खुला रखेंगे? 1020 की ओर, तो 1200 इज स्मॉलर देन 1020, ओके। अब देखिए 3540 और 3450 कौन बड़ा है इसमें? 3540 है, तो मुंह किस ओर बड़ा रखेंगे अपन? 3540 की, तो इसको क्या पढ़ेंगे अपन? 3540 इज ग्रेटर देन 3450। अब देखिए यहां पर क्या है, 8357 और इधर भी क्या है? 8357, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, दोनों क्या है? इक्वल है, तो आप इक्वल का साइन लगा देंगे। चलिए अगला आप एच डब्ल्यू कर लीजिए, होमवर्क कर लीजिए, ठीक है। अगला क्या आपका एच डब्ल्यू, ठीक है, नंबर बियॉन्ड, ठीक है। चलिए अब अपन नंबर बियन 5 डिजिट नंबर, अब अपन ने अभी तक थर्ड क्लास तक क्या पढ़ा, अपन ने क्या पढ़ा थर्ड क्लास तक? 4 डिजिट नंबर, अब अपन पढ़ेंगे 5 डिजिट नंबर। देखिए 9999 के बाद क्या आएगा, करिए प्लस, 9999 में प्लस 1 करिए, कितना आ जाएगा अपने पास? 10,000, कितना हो जाएगा? 10,000, लिखिए यहां पे 10,000, लिखिए आप 10,000, लिखिए यहां पे, लिखिए 10,000 प्लस 1 करिए, प्लस पहले प्लस 1 लिखिए, प्लस 1, प्लस 1, 1 इज इक्वल टू 10,000। गिनिए इसमें कितने संख्या हो गए, कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5, कितने डिजिट हो गए? 5, मतलब नंबर बियॉन्ड 4 डिजिट, मतलब 4 डिजिट के बाद कितने नंबर आते हैं अपने पास? 5 डिजिट में, यहां पे लिखा 5 डिजिट नंबर, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा 5 डिजिट का, कौन सा होगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट? देखिए लिखा हुआ है 10,000 इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 10,000 के अपने पास सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, ठीक है। चलिए ऊपर ले जाइए, अपन ऊपर लेते हैं, अपन एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। देखिए
इन अवर अर्लियर क्लासेस मतलब जो अपन थर्ड क्लास में थे, वी हैव स्टडी नंबर 1 to 9999। मतलब अपन ने कहां से कहां तक संख्या पढ़ी, 1 से लेकर 9999 तक अपन ने संख्या पढ़ी। ठीक है, 1 अपने पास सिंगल डिजिट है, 9999 अपने पास फोर डिजिट है। यू विल नेचुरली लाइक टू आस्क द क्वेश्चन व्हाट द नंबर कम आफ्टर 9999। तो क्या आएगा, अपन ने देखा था क्या आएगा इसके बाद, 10,000। क्या आएगा, 10,000। वी नो दैट ग्रेटर फोर डिजिट नंबर इज, आपके पास फोर डिजिट का सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा, विच इज द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर इज, क्या हो जाएगा अपने पास, 9999। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, फोर डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, फोर डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, बताइए जरा कौन सा होता है, 1000। कौन सा होता है, 1000। ठीक है, अब अपन देखिए, अपन ने थर्ड क्लास में पढ़ा जैसे संख्या लिखी है 9999, तो इसमें अपन पीछे से रीड करना शुरू करते हैं। पीछे से रीड करिए, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये हो गया 1 जिसको यूनिट पैलेस बोलते हैं, फिर सेकंड वाला 9 हो गया अपने पास 10, थर्ड वाला 9 हो गया अपने पास 100 और फोर्थ वाला 9 हो गया अपने पास 1000। ठीक है, अब अपन ने 1 और ऐड कर दिया, 9999 में अपन ने 1 और ऐड कर दिया, तो क्या बन गया अपने पास 10,000। क्या बन गया अपने पास 10,000। अब इसमें यूनिट पैलेस देखिए, यूनिट पैलेस कौन सा अपने पास, 1, फिर कर्जन या लो 10, 100, 1000 और इसको क्या पढ़ते हैं अपन 10,000। क्या पढ़ते हैं उसको अपन 10,000। देखिए 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000। क्या पढ़ेंगे इसको अपन 10,000। 1000 की स्पेलिंग याद है आपको, TOUSAND, 10,000। ठीक है, 10,000। अपने पास एक एबकस दे रखा है, देखो एबकस के अंदर पहले अपने पास वंस पैलेस है जिसको अपन वंस पैलेस बोलते हैं, फिर सेकंड कौन सा अपने पास 10 पैलेस है, थर्ड अपने पास 100 है, फोर्थ 1000 है और फिफ्थ क्या अपने पास क्या है बोलो, 10,000। क्या है, 10,000। वेरी गुड, रिमेंबर सुनिए आप, 99,000। क्या पढ़ेंगे इसको अपन 99,999 इज द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर, इसको आप मार्क कर लीजिए, 99,999 इज द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर। ये सबसे बड़ा अपने पास ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर है। ठीक है, ये आपके पास यहां पर अपने पास एक एक्सरसाइज अपनी पूरी होगी। ठीक है, अब अपन सेकंड एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट लेसन के अंदर देखेंगे। आप इतना काम करिए, फिर आपको बताते हैं कि किस प्रकार से अपने को 1000, 10,000 जो है वो अपने को लिखना है। ठीक है, ओके बाय।